हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं INT हिंदी टेक चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में ये सूचना दिया था कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो KYC कंफर्मेशन जरूरी है। अगर बैंक कहती है कि re-KYC कंफर्म कीजिए, re-KYC करिए, KYC अपडेट करिए, तो आपको जरूरी है ये सब करना। अगर नहीं करते हैं तो लेन देन बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपको बैंक मैसेज कर रही है कि देखो आपका अकाउंट का KYC एक्सपायर्ड हो गया है, आप KYC करिए या फिर re-KYC करिए। हालांकि इस तरह के फ्रॉड वाली मैसेज भी आती है, तो उससे बचकर उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिनल मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इस तरह के मैसेज आता है तो आपको अपने अकाउंट पर re-KYC कंफर्मेशन देना पड़ेगा, जिसका तरीका अलग अलग हो सकती है। बैंक ये कहती है कि RBI के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको re-KYC करना पड़ेगा। किसी को 2 साल पर करना पड़ रहा है, किसी को 8 साल पर और किसी को 10 साल पर। तो दरअसल मैंने आपको ये बताया भी था कि किन लोगों को प्रत्येक 2 साल पर re-KYC देना पड़ता है, यानी फिर से KYC अपडेट करना पड़ता है या कन्फर्मेशन देना पड़ता है। एक बार और सुन लीजिए। जिनका अकाउंट हाई रिस्क में होगा, हाई रिस्क बैंक वाले ही बताते हैं, जो आपका ट्रांजेक्शन वगैरह रहता है, जो भी रहता है उसका एनालाइज करके वो हाई रिस्क वाले कैटेगरी में डालते हैं। और जिनका अकाउंट हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा वो उनको प्रत्येक 2 साल पर वो KYC अपडेट लेते हैं। जिनका अकाउंट मीडियम रिस्क में आएगा उनको 8 साल पर, और जिनका अकाउंट लो रिस्क में होगा उनको 10 साल पर। ऐसे मानकर हम लोग चलते हैं कि जब एक बार KYC कर दिए तो 10 साल तक निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीच में KYC बैंक की तरफ से खोजा जाता है तो आपको KYC कंफर्मेशन करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो हर बैंकों में आपको अलग अलग सिस्टम मिल जाएंगे, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से, या फिर आप उनको लेटर भेज सकते हो, या मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। इसमें ब्रांच जाना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास फुर्सत है आप जा सकते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको वहां से भगा नहीं देंगे, आपका अकाउंट का re-KYC कर देंगे, re-KYC कन्फर्मेशन कर देंगे। लेकिन अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं ऑनलाइन। देखो, सेंट्रल बैंक का प्रोसेस मैं बता देता हूं कि कैसे re-KYC कन्फर्मेशन देना है। और सेंट्रल बैंक इस तरह के मैसेज जो है करते रहती है कि एक्सपायर्ड हो जाएगा इतने तारीख को, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले देखिए कि कैसे सेंट्रल बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके आप लोग re-KYC कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अगर मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्टर करना है, कैसे यूज करना है, इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ताजा मैंने वीडियो दिया है हाल फिलहाल में। चलिए पहले देखिए कि कैसे सेंट्रल बैंक का re-KYC कन्फर्मेशन करना होता है। सबसे पहले आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करके MPIN दर्ज करके लॉग इन कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अब बताता हूँ आपको कहाँ पर कैसे क्लिक करना है और कैसे KYC कन्फर्मेशन करनी है, re-KYC। नीचे में रिक्वेस्ट की ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट वाला में आप आ जाएंगे। नीचे से सेकेंड नंबर ऑप्शन मिलता है re-KYC कन्फर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे क्या करना है वो ध्यान से आप देखेंगे। देखो, यहाँ पर बता दिया गया कि हमारा जो KYC है 21/10/2021 को एक्सपायर हो गया, जल्दी से आप re-KYC कन्फर्मेशन दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ओके वाले निशान जो दिख रहा है ना, इस पर ओके वाले निशान पर आपको क्लिक करना है। अब re-KYC कन्फर्मेशन में यहाँ पर आईडी का टाइप बताया गया, पैन है, आईडी नंबर, इस प्रकार से इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सारा आपका जो पैन कार्ड आईडी रहता है, आपका एड्रेस रहता है, सब कुछ दिखाता है, फिर आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीड नहीं हुआ क्या, चलो एक बार कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रोसीड करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यही सेम रखना चाहते हैं, तो सेम ही रखूँगा, उसके बाद प्रोसीड करूँगा। चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक करके दूसरा KYC डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, KYC आईडी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तुरंत की तुरंत re-KYC सबमिट हो चुका है, इसका कन्फर्मेशन मैं दे चुका हूँ। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुझे कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, बस मैंने re-KYC कन्फर्म कर दिया। रिक्वेस्ट में आता हूँ, re-KYC कन्फर्मेशन में जाता हूँ, तो आप यहां पर देखेंगे मेरा re-KYC कन्फर्मेशन हो चुका है, 16/7/2023 तक वैलिड बताई गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी प्रोसेस है ये, ठीक है। तो जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है और re-KYC कन्फर्मेशन मांगा जा रहा, तो किस तरह से आप re-KYC कन्फर्मेशन दे सकती है, जिसमें आपको कुछ
अपलोड वगैरह नहीं करवाया गया जैसा कि आपने देखा, बस वहां पर आपको प्रोसीड करना है। वो एक बार बताते हैं कि ये सारा डिटेल आप ही का है ना, तो आप वहां पर आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या आप KYC में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्या कोई ID चेंज करना चाहते हैं, क्या कोई आप डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हैं। अगर बदलाव करना चाहते हैं तब आपको नीचे वाला जो ऑप्शन देता है वो क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको अपलोड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका वही KYC है तो सिर्फ कंफर्मेशन कर देना है और उसके बाद वैधता बढ़ा दी जाती है जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। अब जो KYC अपडेट को लेकर आपको जो मैसेज आती है वो बैंक के तरफ से भी आ सकती है और फ्रॉड के तरफ से भी आ सकती है। देखो, बैंक का ऑफिशियल आप ऊपर से चेक कर सकते हो कि हाँ ये बैंक का है या फिर नहीं। अगर कोई लिंक दिया जाता है या फिर कोई नंबर दिया जाता है कि आप कॉल कर लो, तो उस स्थिति में दोस्तों समझ जाओ कि ज्यादातर ये फ्रॉड ही होती है। वैसे भी आप एक बार बैंक से कंफर्म हो लीजिएगा। वैसे आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते होंगे तो वहां से आप खुद चेक कर सकते हैं, जो कि हर बैंक अब जो है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में ये फीचर एक एक्स्ट्रा जोड़ दी है re-KYC का, re-KYC वेरिफिकेशन का, KYC अपडेट का, जो कि लगभग सभी बैंकों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई मैसेज करके ये बोलता है कि भाई आप लिंक पर क्लिक करो, अपना डेबिट कार्ड डिटेल दो, इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल दो, जो भी दो, भाई इस फ्रॉड में आप ना पड़िएगा, नहीं तो आपका लूट जाएगा खास सारा खाता। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और भी कोई बैंक का re-KYC कंफर्मेशन या KYC अपडेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बैंक का नाम मेंशन कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।